हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्योति मैजिकल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाएं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड बड़ा पाव। तो फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको कुछ आलू चाहिए। देखिए, आलू मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू को मैश करके रखा हुआ है थोड़ा सा टाइम की सेविंग के लिए। और इसके बाद हम इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला देंगे। आप चाहें तो इसे नहीं भी मिला सकते, ये सिर्फ टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला लीजिए और हरी मिर्च, क्योंकि अगर पकौड़े बन रहे हों तो उसमें हरी मिर्च ही अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने इसमें हरी मिर्च मिला दी है। थोड़ा सा हम इसमें हींग भी मिलाएंगे जो स्वाद तो बढ़ाती ही है और पाचन भी सही रखती है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा हींग भी इसमें मिला दिया है। अब मैं इसमें और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए पुदीने की पत्तियां मिला दूंगी और हरे धनिये की पत्तियां भी मिला दूंगी। अगर आपको पसंद हो फ्रेंड्स तभी डालिएगा हरे धनिये की पत्तियां और पुदीना, वरना आप चाहे तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। तो मसालों के लिए थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लीजिए। हल्दी पाउडर हल्का सा, बहुत हल्का, धनिया पाउडर एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मसाला जो इसमें पड़ता है वो पड़ता है अमचूर पाउडर फ्रेंड्स। और अमचूर पाउडर इसलिए इसमें डाला जाता है कि थोड़ा सा खट्टापन इसमें आए। तो देखिए, और अमचूर पाउडर आपको इसमें नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा मिलाना है। देखिए बस, तो ये हमारा इंग्रीडियंट्स तो हमने इसमें सारे मिला दिए हैं। अब हमें इसे मैश करना है। तो फ्रेंड्स, इसे अब मैं मैश करूंगी। इन मसालों को इसमें अच्छी तरीके से हम लोग मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया है। इसका मटेरियल मैंने मिक्स करके इस तरीके से इसको तैयार कर लिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि हमने इस मटेरियल के छोटे छोटे गोले बनाकर एक प्लेट में रख लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लेती हूँ, ये देखिए मैं छोटे छोटे गोले बनाऊंगी इसके इस तरीके से। ये डिपेंड शेप वैसे आप पर करता है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप कुछ इस तरीके से ओवल शेप में इसको बनाएं। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे गोले, या थोड़ा सा इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं आप, ये आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए, इस तरीके से आप इस सारे मटेरियल का गोले बनाकर रख लीजिए। इस तरीके से वन बाय वन आप इन मटेरियल इसको लीजिए और इसके गोले बनाकर रखिए। जब तक आप ये गोले इसके तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, तब तक आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने इन्हीं गोलों को बेसन में लपेट कर फ्राई करना है। तो थोड़ा सा टाइम की सेविंग करने के लिए आप एक तरफ से चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा दीजिए और उसमें ऑयल को गर्म करने के लिए, देखिए मैंने चढ़ा दिया है, तो ऑयल को गर्म करने के लिए रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे के सारे गोले बनाकर इसमें रख दिए हैं। अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है वो ये है कि हम बेसन को घोल कर रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए बेसन घोल के रखा हुआ है, ऐसे गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे आप इसमें। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें भी नमक मिला रहे हैं। देखिए मैंने नमक मिला दिया है और थोड़ा सा इसमें आप मिला देंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मिला देंगे और देखिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर मिलाकर रख दिया है। बस आप कुछ नहीं करना है, आप जो गोले आपने इसमें बना के रखे हैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि पाउडर देखिए इसमें थोड़ा सा गांठी सी बन जा रही है, अमचूर पाउडर में मिक्स हो जाए, ये इंश्योर कर लीजिएगा पहले कि अच्छे से मिक्स हो गया हो। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें इन गोलों को इसमें लपेट कर फ्राई करना है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये लेके इसको आपने इसमें पहले लपेटना है और वन बाय वन इन्हें इस तरीके से लपेटने के बाद, क्योंकि कढ़ाई हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी तेल, इसमें फ्राई करना है। तो इस तरीके से हम इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। ये इंश्योर कर लीजिएगा कि तेल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका हो। इस
तरीके से आप तेल में इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दीजिए और इन्हें डीप फ्राई करिए गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए फ्रेंड्स ये हिलाते भी रही है बीच बीच में इस तरीके से, तो ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गए हैं। ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होंगे, कंप्लीट गोल्डन ब्राउन मत करिए क्योंकि बेसन ही बेसन पकना होता है बाहर से, और जो आलू का मटेरियल होता है तो वो तो वैसे पहले से ही पका हुआ और तैयार होता है, तो हमें बस इन्हें जो बाहर से बेसन है ये फ्राई होना चाहिए, ये पक जाना चाहिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं, अब इसके अंदर करना क्या है, इसके लिए मैंने हरी मिर्ची को काट के रखी है। जनरली हम हरी मिर्ची को काट कर फ्राई करते हैं और तब उन्हें इसके साथ सर्व करते हैं, तो वो देखिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची काट के रखी हुई है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, इसमें एक चम्मच तेल इसको फ्राई कर लेंगे और निकाल के अलग रख देंगे। बस इतना ही फ्राई करना है, आपने ज्यादा नहीं फ्राई करना है, और आप किस तरीके से हमें निकाल के अलग रख लेंगे। मैं इसको इस तरह रख देती हूँ, आप ये देखिए हम इन्हें साइड में इस तरीके से इनके साथ रख देंगे। अब मैं बताती हूँ कि इसके बाद हमें करना क्या है। मार्केट में पाव मिलता है, पाव के पैकेट मिलते हैं, देखिए मैं पाव मैंने लाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। हमने इसको इन पाव को इस तरीके से निकाल लेना है और तोड़ के रख लेना है, इसके साथ ये रखना है। यहां से आप दो पकौड़े इसके साथ रख दीजिए इस तरीके से, मिर्च भी इसमें रख दीजिए और हरे धनिया की चटनी ये। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये तैयार तो हो गया है, खाना कैसे है इसे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हमें बीच से इस तरीके से तोड़ लेना है। जब भी आप सर्व करेंगे मतलब सामने वाले को वैसे पता होता है कैसे खाना है, मैं आपको बता रही हूं, इसे इसके अंदर इस तरीके से रख लेना है और मिर्च जो आपने तैयार करी है वो भी आप इसमें दो पीस इस तरीके से रख लीजिए और इसे दोबारा इस तरीके से बंद कर लीजिए और उसके बाद इस हरे धनिये की चटनी के साथ इसे खाइए। तो देखिए है ना सिंपल और आसान। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आप इसको जरूर अपने घर में ट्राई भी करेंगे, खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।